नमस्कार, बीसी न्यूज के खास पेशकश doctors.com में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिस तरीके से हम जानते हैं कि सर से लेकर पांव तक हर चीज का कैंसर होता है और इसी इसमें गायनक कैंसर ये एक भी चीज होती है, और इसी चीज के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है SCG कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर कुणाल खोबरागड़े। सर सर आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे आपका कीमती समय देकर आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। और आज हम सर से, जिस तरीके से मैंने कहा कि हम गायनक कैंसर से जुड़ी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, सर सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि गायनक कैंसर ये असल में है क्या और इसका कॉमन जो गायनक कैंसर होता है वो क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल खोबरागड़े, आई एम कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट SCG कैंसर हॉस्पिटल। मैंने MCS सर्जिकल ऑन्कोलॉजी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से कंप्लीट किया, फॉलोड बाय फ्यू फेलोशिप। Now I am associated with HCG Cancer Hospital. Coming to your question, आपका question जो common gynec cancer, usually कोई भी cancer महिलाओं में होता है तो हम लोग उसको gynec cancer ऐसा ही word use करते हैं, common terminology में, common language में यही term होता है। लेकिन अगर हम लोग gynec cancer के बारे में बात करें तो वो कोई एक cancer नहीं है, बल्कि gynecological organs अगर हम लोग देखें तो एटलीस्ट तीन organs है जिसको हम लोग अलग से देख सकते हैं, ovaries या अंडकोश, uterus या गर्भाशय और सर्विक्स। सर्विक्स एसेंशियली ये गर्भाशय का लोअर पार्ट है। सो कॉमन कैंसर इंडिया में जो सबसे कॉमनेस्ट मिलता है महिलाओं में गायनेकोलॉजिकल कैंसर, ये है सर्विक्स का कैंसर, मतलब गर्भाशय के लोअर पार्ट में जो कैंसर होता है वो, फॉलोड बाय जो है ओवरी आता है या अंडकोश का कैंसर, और तीसरा है गर्भाशय का कैंसर। तो ये तीन कैंसर जो है वो काफी कॉमन है, अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर जो सिर्फ महिलाओं में बहुत तरीके में पाया जाता है। ओके, जिस तरीके से आपने बताया कि सर्विक्स कैंसर ज्यादा इसमें पाया जाता है, इसका कारण हम जान सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर या CA सर्विक्स हम लोग जिसको बोलते हैं, जो इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन है। और अगर हम लोग देखेंगे ओवरऑल वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज लीडिंग, सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर इसे इंडिया में ही होते हैं। मोस्ट कॉमन रीजन जो इंडिया में इसका है कि सैनिटरी मेजर्स जो है इंडिया में वो ठीक नहीं है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या आफ्टर व्हाटएवर इट इज, जो सैनिटरी मेजर्स है वो ठीक नहीं है, पानी का सप्लाई ठीक नहीं है, दैट इज देयर। थर्ड इज इन्फेक्शंस जो है, वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं सर्विक्स में, उसके वजह से ये सर्वाइकल कैंसर का रिस्क इंडिया में सबसे ज़्यादा है। दूसरे जो कैंसर है ओवेरियन या एंडोमेट्रियम या गर्भाशय का कैंसर, उनके लिए रिस्क फैक्टर्स काफ़ी अलग अलग है। अगर ओवरी के बारे में बात करें तो इंडिया में सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर आज अगर ओवरी का है तो वह ओबेसिटी और जेनेटिक। उसी तरह से अगर हम लोग गर्भाशय के बारे में भी बात करें तो ओबेसिटी का काफी ज्यादा लिंक है इस कैंसर के लिए। ओके, सर इस तरीके से बताया सर ने कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे प्रॉपर केयर ना की जाए तो इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। सर आपने ये भी कहा कि ओबेसिटी और गायनेकोलॉजिकल कैंसर, इसका कहीं ना कहीं संबंध है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से ओबेसिटी यानी मोटापा, ये सारी चीजों का गायनेक कैंसर से संबंध है? जी, अभी अगर हम लोग देखेंगे ओवरऑल वर्ल्ड में सबका लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो गया है। ड्यू टू चेंज ऑफ लाइफस्टाइल जो है ओबेसिटी बहुत कॉमन हो चुकी है, ओबेसिटी या मोटापा। जब हम लोग ओबेसिटी या मोटापे के बारे में बात करते हैं तो हम लोग एक ओवरऑल मोटापा या ओबेसिटी नहीं बोल रहे हैं, हम लोग जो स्पेसिफिक जो कैंसर से एसोसिएटेड है वो है सेंट्रिपिटल ओबेसिटी, मतलब पेट बड़ा होना, ये जो ओबेसिटी है इस टाइप की ओबेसिटी से कैंसर में रिस्क काफ़ी बढ़ती है, कैंसर के रिस्क। और आपको ये जानकर काफ़ी अचंभित होंगे, आपकी ओबेसिटी इज लिंक टू ऑलमोस्ट 22 कैंसर्स इन द बॉडी, डेफिनेट लिंक है ओबेसिटी का 22 कैंसर्स के साथ। इसमें अगर महिलाओं में अगर हम लोग बात करें ओबेसिटी का, जो हम लोग यूजुअली कैलकुलेट करते बॉडी मास इंडेक्स, विच इज वेरी सिंपल, आपका वेट डिवाइडेड बाय आपका हाइट इन मीटर स्क्वायर, अगर बॉडी मास इंडेक्स आपका 35 और प्लस है तो डेफिनेटली आपको ओबेसिटी है, और इस ओबेसिटी का रिस्क रिडक्शन भी करना चाहिए। और ओबेसिटी से लिंक जो गायनेकोलॉजिकल जो दो कैंसर से, वो एक ओवरी या अंडकोश का कैंसर और दूसरा है एंडोमेट्रियम या गर्भाशय का कैंसर। तो ओबेसिटी डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है गायनेकोलॉजिकल कैंसर से, मतलब हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर ओबेसिटी हमने मतलब कहीं ना कहीं मोटापा या फिर जितनी भी चीज़ें हैं उस पर कंट्रोल पा लिया तो कहीं ना कहीं कैंसर से हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। एटलीस्ट दिस इज इन अवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में है। कैंसर से रिलेटेड मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हर इंडिविजुअल में इनहेरेंट रिस्क होती है, एक जो जेनेटिक्स से आती है थोड़ी बहुत रिस्क, इस रिस्क को जो है मोटापा मल्टीप्लाई कर देती है। तो अगर आपको रिस्क सिर्फ वन टाइम होगी तो वो मोटापे के साथ शायद 10 टाइम्स हो जाएगी,
तो इसलिए अगर इफ वी कैन चेंज लाइफस्टाइल या थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर रहे हमारा, अगर हम लोग सेंट्रिपेटल ओबेसिटी कम कर पाए रेगुलर एक्सरसाइज से, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प इन रिप्लेस सर, करेक्ट। जिस तरीके से आपने अभी जेनेटिक रिस्क की बात कही, मैं जी जानना चाहती हूँ कि हम मतलब बहुत ऐसी बीमारियां होती है जिनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जीन्स से हमारे, और मतलब अगर हमारे जीन्स में है वो जेनेटिकली है तो कहीं ना कहीं वो हमें होना लाजमी है। तो क्या जेनेटिक रिस्क फैक्टर जो है ये गायनेक कैंसर में भी उसी तरीके से प्रभावी होता है? जी जेनेटिक रिस्क जो है मोस्ट कॉमनली जो हम लोग देखेंगे तो ओवेरियन कैंसर या अंडकोश का जो कैंसर है, गायनेक कैंसर्स में गर्भाशय और सर्विक्स छोड़ के जेनेटिक रिस्क ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है महिलाओं के अंडकोश या ओवेरियन कैंसर के लिए। जब हम लोग जेनेटिक रिस्क की बात करते हैं तो हम लोग दो टाइप की रिस्क की बात करें, एक जो फैमिलियल है या जिसमें फैमिली में ये रन होता है वो है, या जिसको हम लोग अनुवांशिक बोलते हैं जो फैमिलीज में होता है। दूसरा है एक इनहेरेंट रिस्क जो एक किसी इंडिविजुअल में ज्यादा रहती है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल सराउंडिंग में, मतलब आपके आजू बाजू के लोगों से आपकी रिस्क थोड़ी ज्यादा है। तो इस टाइप से दो टाइप के जेनेटिक रिस्क हो सकते हैं। तो ओवेरियन कैंसर जो है ये काफी फैमिलियल पाया जाता है, और अभी हमको पता है विथ रिसर्च की अगर किसी को भी ओवेरियन कैंसर होता है किसी भी महिला को, तो हमको उसकी फैमिली को स्क्रीन करना है, उसकी डॉटर्स को या उनके ब्लड रिलेटेड जितने भी इंडिविजुअल है फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटेड, मतलब उनके मैटरनल साइड, उनके मम्मी के साइड, उनके पिताजी के साइड, माताजी के साइड में उनकी बुआ या उनके जो फर्स्ट कजिन्स है, उनको हमको देखना है कि उनमें भी कोई रिस्क है या नहीं है, उनमें भी कोई ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है उनमें। तो डेफिनेटली ओवेरियन कैंसर का जेनेटिक रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमको फैमिली को स्क्रीन करना होता है जब किसी भी महिला को ओवरियन कैंसर होता है। मतलब बेहद जरूरी है, अगर किसी महिला को ओवेरियन कैंसर हो जाता है तो जींस मतलब जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग। सर हम लोग मतलब वैसे तो देख रहे हैं कि आजकल किसी भी एज ग्रुप में कोई भी डिसीज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, बट अगर हम बात करें गायनेक कैंसर की तो यूजुअल एज ग्रुप कौन सा पाया जाता है इसमें? और वही मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इसके सिम्टम्स आखिर क्या है? देखिए सिम्टम्स और एज ग्रुप ये तीनों जो मैंने कैंसर्स कॉमन डिस्क्राइब किए, ओवरियन या अंडकोश का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर और सर्विक्स का कैंसर, एज ग्रुप अगर हम लोग देखें तो ये तीनों कैंसर्स का एज ग्रुप यूजुअली 50+ है इंडिया में। मोस्टली ओवरियन कैंसर या अंडकोश का कैंसर है ये 60s में पाया जाता है, गर्भाशय का कैंसर ड्यूरिंग 55 to 60s में, और सर्विक्स का जो कैंसर है मतलब गर्भाशय का जो लोअर पार्ट है यूजुअली वो 45 onwards ही चालू हो जाता है। अगर हम लोग सिम्टम्स देखें तो सिम्टम्स काफी अलग अलग है तीनों कैंसर्स के। अगर सर्विक्स का कैंसर हम लोग देखें तो मोस्ट कॉमन जो है सर्वाइकल कैंसर का जो सिम्टम है वो है ब्लीडिंग, ये ब्लीडिंग कभी भी हो सकती है और काफी ज्यादा मात्रा में होती है ये ब्लीडिंग, और उसके साथ पस डिस्चार्ज भी काफी रहता है महिलाओं को बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। और ये जो सिम्टम है डिस्चार्ज या वाइट कलर का डिस्चार्ज या ब्लीडिंग होना, ये काफी समय से रहता है उनको, ये है। प्लस यूरिनरी इन्फेक्शंस भी थोड़े बहुत हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि ओवरऑल सैनिटेशन ही एक इश्यू है सर्वाइकल कैंसर में, तो उनका दूसरे भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शंस भी रहते हैं। अगर हम लोग गर्भाशय के कैंसर की तरफ आए तो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप जैसे मैंने बताया 55+ और 50+ में, मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो ये वो महिलाएं हैं जिनका मेंस्ट्रुएशन अभी बंद हो गया है, पीरियड्स आना बंद हो गया है, लेकिन उनके बाद पीरियड्स बंद होने के बाद अगर उनको ब्लीडिंग हो रहा है तो ये हो सकता है 55 एज ग्रुप के अबोव, ये जो है ये एक रिस्क फैक्टर काफी कॉमन है जो गर्भाशय के कैंसर में होता है, और यूजुअली यही सबसे कॉमन सिम्टम उनमें होता है ब्लीडिंग होना। अगर हम लोग ओवेरियन कैंसर की तरफ आए तो ओवेरियन कैंसर या अंडकोश का कैंसर ये एक साइलेंट कैंसर है, काफी साइलेंट कैंसर, इसलिए हम लोग इसको एक साइलेंट किलर भी बोलते हैं। इसमें कॉमन सिम्टम्स जो जो महिलाओं में होती है वो बस एसिडिटी की तकलीफ है या थोड़ा भूख कम लगना है या थोड़ा सा पेट या मोटापा बढ़ना है, ये इस कैंसर के सिम्टम्स है, इसीलिए हम लोग ओवेरियन या अंडकोश के कैंसर को एक साइलेंट किलर भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग एज ग्रुप देखें ओवेरियन कैंसर का, तो ये एज ग्रुप है अराउंड 55 to 60 या 60+ की महिलाओं में। तो अगर ये एज ग्रुप में महिलाओं को अगर कुछ सिम्टम होते हैं जिनसे वो बोलते हैं कि शायद उनको परसिस्टेंट एसिडिटी रहती है या बहुत हार्ट बर्न की सिम्टम होने लगती है या उनको ऐसा लगता है कि शायद वो थोड़ा मोटापा ज्यादा बढ़ गया है, अभी वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, पहले अगर वो 4 चपाती खा रहे हैं और अभी सिर्फ उनको 2 चपाती खाने की इच्छा होती है,
तो ये सिम्टम्स जो है इस एज ग्रुप में डेफिनेटली इग्नोर नहीं करने चाहिए, क्योंकि ओवेरियन कैंसर जो है मोस्ट कॉमनली डिटेक्ट होता है काफ़ी एडवांस स्टेज में, क्योंकि ये सिम्टम्स ही ऐसे हैं कि सिम्टम्स के लिए यूजुअली कोई भी जांच नहीं करना चाहेगा ये 2-3 सिम्टम्स के लिए। सो आई थिंक एज ग्रुप और उसको मैचिंग अगर सिम्टम्स है तो डेफिनेटली थोड़ा अवेयरनेस रहना चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए। ओके सर, जिस तरीके से आपने कहा कि शुरुआती समय में ही डिटेक्ट करना चाहिए, वही बहुत बार मेडिकल कंसल्टेंट्स की ओर से, मतलब डॉक्टर्स की ओर से कहा जाता है कि किसी भी बीमारी के बारे में पहले ही उसे डिटेक्ट कर लेना चाहिए, वही कैंसर के साथ ही। और जब हम बात कर रहे हैं गायनेक कैंसर से जुड़ी चीज़ों की, तो इसमें भी कहा जाता है कि इसे शुरुआती समय में ही डिटेक्ट करना ज़रूरी है। मैं इसके पीछे की वजह जानना चाहती हूँ कि क्या है इसके पीछे वजह, कि हमेशा कहा जाता है कि शुरुआती समय के पहले ही डिटेक्ट करना चाहिए। तो किसी भी कैंसर के लिए अगर वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो क्यूर पॉसिबल है। सो जैसे बाकी डिजीज में, नॉन कैंसरस डिजीज में हम लोग पेशेंट को क्यूर देते हैं, उसी तरह कैंसर में भी अगर अर्ली स्टेज में आता है तो क्यूर पॉसिबल होता है। क्यूर पॉसिबल मतलब एटलीस्ट 5 ईयर्स तक या 5 to 10 ईयर्स तक उनको शायद कैंसर आगे नहीं होने की संभावना होती है। ये तभी होती है अगर वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको कुछ सिम्टम्स है, जो सिम्टम्स मैंने अभी डिस्क्राइब किए, जैसे आपको पीरियड बंद होने के बाद भी अगर ब्लीडिंग है वो, या फिर आपको परसिस्टेंट वाइट डिस्चार्ज है और ब्लीडिंग कॉमन है, या आपका अनयूजुअल वेट लॉस हो रहा है, या एपेटाइट कम हो गई है, तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ताकि कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो। अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो हम लोग जस्ट एक मॉडलिटी यूज करके भी आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं, सिर्फ सर्जरी या सिर्फ कीमोथेरेपी या सिर्फ रेडियोथेरेपी से। लेकिन जैसे जैसे कैंसर एडवांस स्टेज में होता है तो सभी मॉडलिटीज यूज होती है, विद ऑल मॉडलिटीज कुछ साइड इफेक्ट्स भी आने लगते हैं। अगर हम लोग एक ही मॉडलिटी यूज करते हैं सर्जरी, तो साइड इफेक्ट्स कम रहेंगे, लेकिन अगर हम लोग सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन तीनों ही अगर हमको यूज करना पड़ता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, तो इट कम्स विद सम साइड इफेक्ट्स, उससे थोड़ा लाइफ स्टाइल में भी प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। इसलिए अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना काफी जरूरी है। सर एक और सवाल था आपसे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक, इन दो टॉपिक्स, मतलब ये दो ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैंने सुना, और मैं चाहती हूँ कि ये क्या है, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं, इसके संबंध में पूरी जानकारी बताएं। जी, तो रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, इन दोनों को हम लोग एक की होल सर्जरी बोलते हैं। की होल सर्जरी मतलब एक बड़ा इंसिजन नहीं लेते हुए कुछ 2 छोटे या 3 छोटे स्मॉल इंसिजन्स लेके कैमरा के मदद से हम लोग सर्जरी करते हैं। हालांकि इनका रोल अभी भी गायनेक कैंसर में डिफाइंड नहीं है, तो आई थिंक अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो पेशेंट्स को ये अवेयरनेस होनी चाहिए, फैमिली मेम्बर्स को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक ये एक अप्रोच है कैंसर की ट्रीटमेंट का, कैंसर की सर्जरी का, और ये डिसीजन या जो लेना है लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी होनी चाहिए, ये जो है ये डिसीजन सिर्फ डॉक्टर्स को ही लेना चाहिए। पेशेंट या उनके रिलेटिव्स ने इस डिसीजन में आई थिंक रोल थोड़ा कम होता है, और लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी का रोल भी गायनेक कैंसर में काफ़ी लिमिटेड है। जैसे हम लोग देखिए ओवेरियन या अंडकोश का कैंसर ये जिस तरह से फैलता है, जिसमें पेरिकल्चर में ज़्यादा फैलता है, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यूजुअली हम लोग अवॉइड करते हैं। सिमिलरली एंडोमेट्रियम कैंसर में भी हम लोग इफ एट ऑल अगर जिनके पास आप गए हैं अगर वो लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी में स्किल्ड है तो ही ये सर्जरी उस तरह से करनी चाहिए। सर्विक्स में बिल्कुल ही रोल नहीं है लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी का। तो मेरी मेरी राय ये रहेगी कि लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी, ये जिन डॉक्टर्स के पास आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं उनको तय करने दीजिए कि वेदर आपका जो ट्यूमर है या आपका जो कैंसर है ये लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी के अमेनेबल है या नहीं है, और अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेना चाहिए। जिस तरीके से सर आपने लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी की बात की, कहीं ना कहीं कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी बहुत बार स्टर्म सुनाई देती है, और कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या गायनेक कैंसर में भी कीमोथेरेपी का यूज होता है, और इसका रोल मैनेजमेंट में क्या है? जी डेफिनेटली, कीमोथेरेपी का एक काफ़ी बड़ा रोल है मैनेजमेंट में ओवरऑल अगर हम लोग देखें गायनेक कैंसर में, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर हो या गर्भाशय का, एंडोमेट्रियम यूट्रस का कैंसर हो या ओवेरियन का कैंसर हो। सो सबसे महत्वपूर्ण रोल है कीमोथेरेपी का ये है ओवेरियन कैंसर में। जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है कि ओवेरियन कैंसर यूजुअली या अंडकोश का कैंसर है यूजुअली एडवांस स्टेज में पाए जाते हैं, ये एक साइलेंट किलर है, इसके सिम्टम्स काफ़ी कम होते हैं, एज ग्रुप भी थोड़ा ज़्यादा होता है महिलाओं का, तो बिकॉज दे प्रेजेंट इन एन एडवांस स्टेज, थोड़े स्टेज 3 या स्टेज 4 में आते हैं यूजुअल प्रेजेंटेशन,
इनिशियल ट्रीटमेंट इन कैंसर के लिए हमेशा कीमोथेरेपी होता है। ओके अपफ्रंट सर्जरी या सीधा सर्जरी करना उस डिजीज बर्डन के लिए फिजिबल नहीं होता है। ओके अगर हम लोग कीमोथेरेपी के बारे में डिस्कस करें तो कीमोथेरेपी बेसिकली जिस तरह से आप सलाइन से इंजेक्शन लेते हो उसी तरह से सलाइन से कीमोथेरेपी दी जाती है। इट कम्स बहुत सारे ड्रग्स है कीमोथेरेपी के लिए, और ओवरऑल जो है गायनेक कैंसर या किसी भी कैंसर का कीमोथेरेपी काफ़ी स्पेशलाइज और स्टैंडर्डाइज है वर्ल्ड ओवर। सो आपको अगर ओवेरियन कैंसर है तो जो कीमोथेरेपी शायद जो महिलाओं को US में मिल रही है या यूरोप में मिल रही है, जापान में मिल रही है, वही कीमोथेरेपी आपको यहीं मिलेगी। ओके सो इट इज़ मोर और लेस स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट है। तो कीमोथेरेपी का रोल जो है ओवेरियन कैंसर में बहुत ज़्यादा डिफाइंड है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद जब दोबारा भी कैंसर होते हैं इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट, उस वक्त भी ओवेरियन कैंसर में कीमोथेरेपी का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर, आपने अभी बताया कि जिस एज ग्रुप में ये जो कैंसर किस किस एज ग्रुप में होता है, वही ये भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं युवा महिलाएं या फिर यंग जितनी भी वुमेन्स है उनके ट्रीटमेंट में जितने भी डॉक्टर्स, उन्हें कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं जानना चाहती हूँ इसकी वजह क्या है कि क्यों ये सारी चीज़ें होती है। देखिए जब हम लोग यंग वुमेन डिस्क्राइब करते हैं, यंग वुमेन यानी हम लोग वो एज ग्रुप देख रहे हैं एटलीस्ट 35 या 40, लेस देन 40, ओके इन महिलाओं में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो जेनेटिक रिस्क, क्योंकि अगर इतने अर्ली एज में कैंसर हुआ है तो डेफिनेटली दूसरे कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, ओके तो जेनेटिक एक रिस्क है, मतलब फैमिलियल रिस्क उनको ज़्यादा है। उनके कैंसर थोड़े एग्रेसिव होते हैं, थोड़े ट्रीटमेंट में डिफ़िकल्टीज होती है, थोड़े एडवांस स्टेज में आते हैं, कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा नहीं आता है, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यह है यंग वुमेन में कि फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, ओके किसी महिला की फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, अभी बच्चे नहीं हुए हैं, फैमिली कंप्लीशन नहीं हुआ है, तो किस तरह से ट्रीटमेंट करे कि ये आगे उस पर प्रभाव ना पड़े। तो ओके ये एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है फॉर फैमिली, फॉर पेशेंट, फॉर डॉक्टर्स। इसमें फैमिली और पेशेंट का रोल डिसीजन मेकिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कीमोथेरेपी या सर्जरी एसेंशियली अगर हम लोग देते हैं तो उस तरह से करना पड़ेगा कि अगर फैमिली कंप्लीशन का आगे इच्छा है पेशेंट या फैमिली की, तो वी विल हैव टू टेपर द कीमोथेरेपी ड्रग्स, या सर्जरी का रोल भी थोड़ा लिमिटेड रखना पड़ेगा ताकि आगे जाके इनके लाइफस्टाइल में या आगे जाके फैमिली कंप्लीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जिस तरीके से आपने कठिनाइयाँ बताई सर, मैं आपसे जानना चाहती थी कि रिस्क डिटेक्शन स्टेप जो गायनेक कैंसर में लेने चाहिए, इनके बारे में जानना चाहती थी कि किस तरीके से होता है। रिस्क रिडक्शन, अगर मैं बोलूँ तो रिस्क रिडक्शन है, एक तो होता है कि जनरलाइज्ड अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैंसर इज कॉमन। दूसरा ये होना चाहिए अवेयरनेस सभी महिलाओं में कि जो कैंसर है उन्हें पता होना चाहिए कि ओवेरियन कैंसर अलग है, गर्भाशय का कैंसर अलग है, सर्वाइकल कैंसर अलग है, ये अवेयरनेस की एक रिस्क रिडक्शन है। दूसरा है कि अगर जैसे हम लोगों ने अभी रिस्क फैक्टर्स डिसाइड या हम लोगों ने डिस्कस किया अभी रिस्क फैक्टर्स, ओबेसिटी मोटापा ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर, तो एज द एज इंक्रीजेस हमने फिजिकल एक्सरसाइज जो है एक रूटीन में रहना चाहिए हमारे। सेंट्रिपिटल ओबेसिटी या मोटापा जो है पेट के अराउंड जो मोटापा आता है, अगर हम लोग उसे कर पाए रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज के साथ, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क रिडक्शन स्टेप है। तीसरा स्टेप है कि सैनिटरी मेजर्स रखना ड्यूरिंग पीरियड एंड इवन आफ्टर पीरियड मेंस्ट्रुएशन के बाद भी सैनिटरी मेजर्स ठीक रहने चाहिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रिस्क रिडक्शन स्टेप है कैंसर के लिए। सर, जिस तरीके से आपने कहा अवेयरनेस के बारे में, अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो खुद पर, मतलब उन्हें पता ही होता है कि कैंसर वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, पर वो इस चीज़ के बारे में अभी भी अवेयर नहीं रहती है। इनफैक्ट जैसे आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात की, अभी भी बहुत सारे गांव दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे महिलाएं इस जो पीरियड्स की जो जितने भी उसके बाद चीज़ें होती है, मतलब जिस तरीके का मेंस्ट्रुअल साइकिल में जिस तरीके का हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, उस तरीके का हाइजीन अभी भी महिलाओं द्वारा वहाँ पे मेंटेन नहीं किया जाता है। तो ऐसे महिलाएं जो इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करती है, मैं जानना चाहती हूँ कि आप उनको क्या कहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ हेल्थ केयर फैसिलिटेटर मैं बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ का अवेयरनेस में कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, एक अवेयरनेस ओवरऑल सोसाइटी में होना चाहिए टुवर्ड सैनिटेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे ये सेशन है, इस तरह के सेशंस काफ़ी कॉमन होने चाहिए जिसमें हम लोग अवेयरनेस देते हैं पेशेंट्स को और उनके रिलेटिव्स को। जब भी एक फैमिली आती है हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, तो वी मेक श्योर कि वो एक खुद रोल मॉडल बने कि वो सोसाइटी में वापस जाके, कम्युनिटी में वापस जाके
इसके बारे में बताएं, कैंसर के बारे में बताएं कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है फिजिबल है। बहुत सी महिलाएं कैंसर पता होने के बाद भी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हैं। एक स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट है कैंसर का, जिससे क्योर भी पॉसिबल है, अच्छा ट्रीटमेंट पॉसिबल है, फिर भी एक जनरल लैक ऑफ अवेयरनेस है, अवेयरनेस नहीं होने के वजह से उनके ट्रीटमेंट में भी काफ़ी फर्क पड़ता है। सो आई थिंक कि एक ओवरऑल सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अवेयरनेस एक टूवर्ड्स कैंसर रहना चाहिए। अगर आपको पता है, आप अगर रेगुलर टीवी या न्यूज़पेपर्स भी पढ़ते हैं, तो आप जानती होंगी कि कैंसर का जो है अभी काफ़ी बढ़ गया है, कैंसर का इंसिडेंस प्रिवेलेंस बढ़ गया है, सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो आई थिंक कि अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, अवेयरनेस से ही शायद जितना अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा उतना अच्छा ट्रीटमेंट भी पॉसिबल। मतलब कहीं ना कहीं जरूरी है कि जितनी भी महिलाएं हैं वो इस चीज को लेके काफी अवेयर रहे, जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको नजरअंदाज ना करें, निगलेक्ट ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यही छोटी छोटी चीजें सामने जाके आगे जाके एक बड़ी बीमारी में रूपांतरण कर सकती है, जैसे कैंसर। मतलब छोटी छोटी अगर चीजों का हम ध्यान रखें तो शायद हम कैंसर से बच सकते हैं। और ये भी मेडिकल कंसल्टेंट्स के थ्रू कहा जाता है कि बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, जिससे कहीं ना कहीं कैंसर से प्रिवेंशन या फिर किसी बड़ी बीमारी से प्रिवेंशन हो सकता है। सर, जिस तरीके से हम जानते हैं कि हर चीज का कहीं ना कहीं हमारे खान पान और हमारी एक्सरसाइज से संबंध है, वही अगर कैंसर की बात करें तो जिस तरीके से आपने मोटापे की बात कही और खान पान के बारे में, तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरीके का खान पान एक हेल्दी लाइफस्टाइल लोगों को अपनानी चाहिए कैंसर से बचाव के लिए। अगर हम देखें तो यूजुअली डाइट का जो एसोसिएशन है या फूड्स का जो एसोसिएशन है, ओवरऑल सभी कैंसर्स के साथ किसी ना किसी तरह से होता है फूड्स का एसोसिएशन। लेकिन ये फूड, अभी अगर हम लोग इंडियन फूड के बारे में बात करें, तो यूजुअली द फूड जो इंडियन हमारा स्टेपल डाइट है, इट इज़ नॉट कि वो कैंसर में ज़्यादा उसका कुछ बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। लेकिन डेफिनेटली फिजिकल एक्सरसाइज ना होना, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है रैदर देन डाइट। हमारा डाइट ऐसा नहीं है, वी आर स्लोली गोइंग टूवर्ड्स वेस्टर्नाइज डाइट, लेकिन अभी हमारा डाइट पूरी तरह से वेस्टर्नाइज नहीं हुआ है। हम लोग बहुत प्रिजर्व फूड्स भी नहीं खाते या बहुत स्टोर्ड फूड्स भी नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हम लोग रेड मीट भी नहीं कंज्यूम करते। सो ओवरऑल जो एक इंडियन स्टेपल डाइट है, इट इज़ अ हेल्दी डाइट। बट मोर इम्पॉर्टेंट देन डाइट इज कि हमको ये कोशिश करनी है कि एक जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो हमारे लाइफ स्टाइल में रेगुलरली हम लोग अपना ले, एटलीस्ट 20 to 30 minutes ओवर ए वीक। 7 दिन में अगर आप आधे आध घंटा भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं रोज 10 to 15 minutes के लिए, तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इस पे स्ट्रेस करें कि हम लोग किस टाइप का फूड ले और किस टाइप का फूड ना ले। हालांकि कोई भी फूड या कोई भी सब्सटेंस आप अगर अधिक मात्रा में लेंगे तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट आपका हो ही सकता है उससे रिलेटेड। तो मतलब कहीं ना कहीं जरूरी है कि अच्छा खान पान, वैसे तो इंडियन फूड हमेशा ही हेल्दी रहा है और इसमें मतलब जो हमारा नॉर्मल डाइट होता है उसी में इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो इनका सेवन प्रॉपर तरीके से कीजिए और साथ ही फिजिकल एक्सरसाइज अगर हमने कर ली तो कहीं ना कहीं कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से बचाव हो सकता है। और वैसे भी कैंसर से जंग भले ही थोड़ी मुश्किल है पर नामुमकिन ये बिल्कुल नहीं है, जिस तरीके से लोगों को लगता है कि कैंसर से बहुत मतलब हम हार ही जाएंगे या फिर इसे जीत पाना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रॉपर मेडिकल कंसल्टेंस दिया जाए, प्रॉपर डॉक्टर्स का गाइडेंस फॉलो किया जाए, तो कैंसर से ये जो जंग है वो आसानी से जीती जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के हमारे सेशन में हमारे साथ रहने के लिए। एचसीजी कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर कुणाल खुबरागड़े सर थे हमारे साथ, जिन्होंने गायनेक कैंसर से जुड़ी पूरी जानकारी हमें बताई, साथ ही बताया कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, साथ में किस तरीके का प्रिवेंशन हमें इस चीज के लिए करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती समय हमारे इस शो में आने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए। हमारे doctors.com इस शो में आज के लिए फिलहाल इतना ही, ऐसे ही अन्य और डॉक्टर्स से आपको हम रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए BCN News। नमस्कार।